बात करते हैं बिहार, जहां मछली के बाद संतरे पर सियासी घमासान छिड़ा है। इस ताजा सियासी घमासान के पीछे भी तेजस्वी यादव है। तेजस्वी ने इस बार संतरा खाने वाला वीडियो जारी किया। वैसे तो किसी के संतरा खाने में कोई खास बात नहीं है, लेकिन तेजस्वी के साथ हेलीकॉप्टर में सवार वीआईपी के अध्यक्ष मुकेश सहनी ने इसे भगवा रंग से जोड़ दिया। भगवा रंग को सनातन का प्रतीक माना जाता है। जाहिर है तेजस्वी ने अपने वीडियो से बीजेपी को बैठे बिठाए मुद्दा दे दिया। नारंगी सियासत पर बीजेपी लाल हो गई। चैत्र नवरात्र के बीच फिश पॉलिटिक्स पर ट्रोल हुए लालू के लाल ने अब भगवा संतरे का शोशा उछाल दिया। दो दिन पहले मछली की कहानी तेजस्वी ने सुनाई थी, इस बार कमान संभाली 6 साल पुरानी सांसद विहीन वीआईपी के अध्यक्ष मुकेश सहनी ने। आसमान की ऊंचाइयों में एक तरफ संतरों के छिलके उतारते रहे तो दूसरी तरफ बीजेपी पर तीर भी बरसाते रहे। कभी इशारों इशारों में कहा तो कभी सीधा हमला बोलते रहे। आज होने से संतरा खा रहे हैं और आज भी मुझे लगता है भाजपा वाले को पेट में तकलीफ होगा कि हम ऑरेंज तो खा रहे हैं, इसको भी वो लोग फर्क से छोड़ देंगे। अब बताइए कि हम लोग ना खाए ना पिए, वो लोग चाहता कि हमेशा गरीब पिछड़ा मल्ला का बेटा का बेटा नमक रोटी खाए और हम लोग अच्छा खा खाए नहीं। हेलीकॉप्टर लेकर प्रचार करने निकले तेजस्वी और मुकेश सहनी का शेड्यूल बेहद टाइट है। रैली कभी यहाँ तो कभी वहाँ। इस बीच वक्त मिला तो दोनों संतरे लेकर बैठ गए। हेलीकॉप्टर में संतरे का स्वाद लेते हुए तेजस्वी मुस्कुराते रहे और उनके बगल की सीट पर बैठे मुकेश सहनी अपने बयान में समाजवाद से लेकर भगवा तक का सफर तय करते रहे। हमें लगता कि ऑरेंज के लिए भी कल है कि भाई हमारा भगवा कलर है, अरे भाई खाना नहीं हमारा भी कलर है, खाने का चीज है तो आएंगे ही ना। मुझे लगता है भाई बेटी ना लगे मुकेश सहनी ने संतरे को शारीरिक शक्ति से जोड़कर इसे चुनाव प्रचार के लिए जरूरी बता दिया। इसके बाद क्लोजिंग कमेंट तेजस्वी का आया, संतरा दिखाकर बोले ये जमुई की जनता ने दिया है। तो जमुई की जनता ने दिया है, जनता ने दिया है। तेजस्वी जिस जमुई का जिक्र कर रहे हैं वहाँ के लोग लोकसभा चुनाव में आरजेडी को हर बार नकारते रहे हैं, लेकिन तेजस्वी और मुकेश सहनी ने जमुई और संतरे के भगवा रंग का जिक्र कर मैसेज दे दिया। इसका जवाब भी तुरंत आया। बीजेपी तो बोली ही, कांग्रेस छोड़ने के बाद बीजेपी का पक्ष लेते रहे प्रमोद कृष्णम भी बोले, संतरा में भगवा दिख रहा है ना, संतरे की तरह छिलाने के लिए तैयार रहो, एक एक छिलका निकाल देगी इस बार जनता। देखिए सवाल ये नहीं है कि कौन क्या खा रहा है, सवाल ये है कि नियत क्या है। लेकिन आरजेडी ने तब तक गोल पोस्ट चेंज कर दिया। संतरे पर पूछे गए सवाल के जवाब में कहा, हमारे लिए खाना पीना नहीं मुद्दा महत्वपूर्ण है। हम लोग तो मुद्दे की बात करना चाहते हैं, बेरोजगारी की बात कर रहे हैं। एक बार भी भाजपा के लोगों ने बोला कि हम बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे, मुद्दे की बात होनी चाहिए, मौलिक मुद्दों पर बात करनी चाहिए। तेजस्वी जी का नैरेटिव क्या, नौकरी पे बात करो, सामाजिक सुरक्षा पे बात करो। यही जो हिंदू धर्म है ना, महासागर है, इसको लोग तालाब बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सक्रिय राजनीति में तेजस्वी ने अभी सिर्फ 14 साल गुजारे हैं, लेकिन अपने पैंतरों से धुरंधरों की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। संतरा एपिसोड इसमें सबसे नया है। देखिए तेजस्वी का मछली के बाद संतरा लेकर आना महज संयोग नहीं है, सियासत का नया प्रयोग है, क्योंकि मामला संतरे के रंग से होते हुए सनातन तक पहुंच चुका है। इससे पहले तेजस्वी को कितना फायदा होगा यह तो कहना मुश्किल है, लेकिन हां इतना जरूर है कि उनकी एक कोशिश बैकफायर भी कर सकती है, क्योंकि सनातन के खिलाफ दिए जाने वाले विवादित बयान बीजेपी को फायदा पहुंचाते रहे हैं। इंडिया गठबंधन में शामिल पार्टियों ने अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम से दूरी बनाई, इस मुद्दे पर वो खुद ही घिर गई। इससे पहले पिछले साल की अगर बात करें तो सितंबर में डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म खत्म करने की बात कही थी। नवंबर में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए तो बीजेपी ने 3 राज्यों में चुनाव जीत लिया था।
जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर ढाई पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहु, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।